बहुत ही तरह दी पिन्नियां जड़ियां पंजाब के हर घर में बनाई जांदियां ने। इत्थों तक कि जोड़े डायबिटिक पेशेंट ने या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट ने वो भी कहते हैं कि असी पिन्नियां खाणियां है, भुज्जे छोलियां दियां या गुड़ दियां थोड़ियां थोड़ियां जड़ियां जिहदे मिठा भी घट होवे उच्च फैट भी घट होवे वो चीज़ा बना के खांदे ने, क्योंकि सियाल विच ये जिहड़ी खुराक है ये सानू साडी बॉडी नू गर्म रखदी है, सानू एक्टिव रखदी है। आओ चलते हैं अज असी पिन्नियां दियां जड़ियां रैसिपीज़ मैं दो लैके आई हैं तुहाडे लई। सब तो पहली रैसिपी जिहड़ी मेरी है वो अलसी दियां पिन्नियां ने। शुरू करते हैं आपां अलसी दियां पिन्नियां। अद्धा किलो अलसी चाहिदी है सानू जी, अद्धा किलो आटा, अद्धा किलो देसी घ्यो, अद्धा किलो खोया, अद्धा किलो गुड़। ड्राई फ्रूट तुसी जिहड़ा भी पाना चाहो पा सकते हो। मैं इहदे वास्ते कौली भर के बदाम दियां गिरियां लईयां ने, कौली भर के काजू दियां गिरियां, एक कौली सौगी, एक कौली पिस्ता ते एक नारियल दी गिरी जिहड़ी आ ओह पतली पतली कट्टी हुई है, वो चीज़ां ने बस लईयां होईयां। ते गुड़ है, गुड़ दी असीं चाशनी बनाउणी है। आओ शुरू करते हैं जी अलसी दियां पिन्नियां। उहदे लई असीं कढ़ाई रखदे आं, इहदे ते चुल्हे ते साबत अलसी लैणी है। इनू असी ड्राई रोस्ट करना है, मतलब इनू सुक्का भुनना है, इनू घ्यो च नहीं भुनना। अग असी ये थले जी बहुत घट रखनी है ताकि अलसी जी सड़े ना। इनू बहुत हल्के जे सेक ते भुनना हुंदा है। मट्ठी मट्ठी अग ते इन्हों अलसी के दाणियां नू भुनना है। ज्यों ज्यों भुजते जाएंगे त्यों त्यों इन्हां दे विच चमक आती जाएगी। जदों भुजन की थोड़ी जी खुशबू आउण लगे फिर असीं इन्हूं ला के चट्टू मूंगली दे विच पा के इन्हूं कुटना है। आ देखो दाणियां दे विच चमक आई जाती है। दाने भुजने शुरू हो गए हैं, तड़तड़ की आवाज़ शुरू हो गई है। नाल नाल इन्हां दे विच देखो चमक भी आई जाती है। अलसी साडी हुण भुज गई है। हुण असीं इहनूं इहदे विच चट्ठू मूंगली विच पा के थोड़ा जिहा इहनूं ठंडा करके ते इहनूं कुटना है। आ भी अलसी हुण जिहड़ी आ साडी वो चंगी तरह हो गई हुई है, इहदे विच कुट्टी गई है। अलसी भुन के असीं चंगी तरह कुट ली है। जे तुहाडे कोल चट्टू मूंगली नहीं हैगा ते तुसीं मिक्सी विच चंगी तरह पीस सकदे हो। हुण आपां कढ़ाई फेर लैणी है, चुल्हे दे उत्ते धर के थोड़ा जिहा असीं घिओ लैणा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ड्राई फ्रूट ने बदाम आ काजू आ पिस्ता इनू हल्का हल्का जा ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ। सब तो पहला आप बदाम ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ सारा कुछ ਭੁੰਨ के ਅਸੀਂ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਗ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, बहुत ਘੱਟ रखनी है ताकि कोई भी चीज़ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ सड़े ना। बदाम साढ़े भुज गए, इन्होंने असीं कड्डण लगे हैं परात विच। हुण असीं पिस्ता पाउण लगे हैं। तुसीं चाहो तो अपनी मर्जी का ड्राई फ्रूट कुछ भी, अखरोट भी पा सकते हो, विच होर भी कई तरह के ड्राई फ्रूट आउंदे हैं वह भी पा सकते हो। बस हल्का हल्का जिहा इन्हां नूं भुनना है, बहुत ज़्यादा इन्हां नूं सेक नहीं लवाउणा। पिस्ता भी साडा भुज गया है, इन्हूं भी हुण असीं बाहर कढ लैणे आ। हुण असीं इहदे विच काजू पाउणे आ। खजुआनों में थोड़ी देरी भुनना है। काजू भी साढ़े भुज गया, हम इन्हू असी कढ़ लैने बाहर। हुण आपां इसे कढ़ाई दे विच ही खोया भुन लेना है। खोए नूं असीं उन्नी देर तक भुनना है जिन्नी देर तक इहदा दुध जिहड़ा चंगी तरह सुक नहीं जांदा। क्योंकि जिहड़ियां पिन्नियां ने इह महीना डेढ़ महीना चलदियां ने जदों असीं इकट्ठी बनाईदी है, तो जे असीं खोया कच्चा पा दांगे तो वह पिन्नियां जिहड़ियां साडीयां खराब हो जाणगीयां। इस करके इहनूं चंगी तरह भुनना हुंदा है, इहनूं पूरा गुलाबी होण तक भुनना असीं। इनू लगातार हिलाते रहना है ताकि थले ना लग जाए। थोड़ा थोड़ा गुलाबी होना शुरू हो गया है खोया साडा। गुलाबी रंग का हो गया खोया, हुण असीं इनू लाउण लगे हैं। इनू थोड़ा जिहा असीं कढ़ाई च हिलाते रहना ताकि कढ़ाई बहुत गर्म है, खोया थले ना लग जाए। नाल नाल असीं इनू एक भांडे च कढ लेना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खोया ਕੱਢ ਕੇ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁੜ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਗਿਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਠੂ ਮੂੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। अलसी भुज गई है साड़ी, ड्राई फ्रूट भी भुज गया है, खोया भी भुज गया है। हुण असीं इहदे विच आटा पाउण लगे हां। उहदे लई सानूं थोड़ी वड्डी कढ़ाई लैणी पैणी। घिओ लैणा असीं। घिओ नूं असीं गरम करके घिओ पिघल गया है। हुण असीं इहदे विच कणक दा आटा जिहड़ा ओह पा देना है। आटे नूं असीं चंगी तरह लाल होण तक भुनना है। जिहड़ी अलसी है उहदे विच बहुत सारे गुण ने। ओमेगा 6 है, ओमेगा 3 है। उदों सानूं छोटे हुंदे नूं ते पता नहीं सी हुंदा ओमेगा 6 की हुंदा है ते ओमेगा 3 की हुंदा है, पर सानूं इन्ना पता हुंदा सी कि साडे बजुर्ग जदों बनाउंदे हुंदे सी ते कहिंदे हुंदे सी कि जोड़ां दियां दर्दां नहीं हुंदियां, इहदे नाल बीमारियां नहीं लगदियां, ये एंटीआक्सीडेंट है और ये मतलब ये बॉडी नूं पूरा गर्म रखती है। अलसी ठंड जो होंगी है साढ़े बजुर्ग जरूर बना के खाते होंगे सी, असी तो स्वाद ही खा जाते होंगे सी, सानूं ये नहीं सी पता होंगे भी ये इन्ने गुण भी होंगे। जदों आटा भुजदे दी खुशबू आउण लग पेगी उदों साडा जिहड़ा अलसी है असीं जिहड़ी अलसी दा पाउडर बनाया होया वो असीं इहदे विच पा देना। आटा भी साडा गुलाबी रंग दा हो गया है, इहदी खुशबू भी आउण लग पई है। बस 1-2 मिनट तक भुन के असीं नाल ही इहदे विच अलसी दा जिहड़ा पीसिया होया पाउडर है वो पा देना। आटा साडा भुज गया है, बिल्कुल लाल रंग दा हो गया है, खुशबू भी बहुत आउण लग पई है। हुण असीं इहदे विच पीसी हुई अलसी जिहड़ी है वो पा देनी है। कढ़ाई नूं असीं हुण थल्ले लाउण लगे आ। इन्हां दोनों चीज़ां नूं असीं चंगी तरह मिक्स कर देना है। इन्हां आटे नूं ते अलसी नूं असीं चंगी तरह मिक्स कर लेना है। दूजी कढ़ाई विच असीं पानी लेना है थोड़ा जिहा। 1/2 किलो गोड़ा है तो 1/2 गिलास सानू पानी का चाहिए ये वास्ते। हुण असीं गुड़ नूं भी थोड़ा जिहा कुट लईए इहदे विच ताकि वो छेती इहदी चाणी बन सके। गुड़ की असी एक तार की चाणी बनानी है। चाणी साडी बन के तैयार है। हुण असी इनू चुल्हे तो ला लेना है। थोड़ा जिहा असी इनू ठंडा होने देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। उन्नी देर असी सारा कुछ मिक्स कर लेने आ। अलसी जिहड़ी है अलसी ते आटा जिहड़ा असी भुज के रखिया होया है उहदे विच असी सारा ड्राई फ्रूट पा देना है। कई घरां विच बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खांदे, जे तुसीं चाहो तो इनू चंगी तरह पीस के भी ड्राई फ्रूट नूं विच पा सकदे हो। सौगी पा देनी है। जुट जिहड़ा असीं छोटे छोटे पीसां विच पतले लंबे पीसां च कट्टिया है वो पा देना है। खोया भुज्जा होया जिहड़ा वो पा देना है क्योंकि सारियां चीज़ां गर्म है इस करके असीं हत्थ नहीं अजे इनू ला सकदे। इनू हौली हौली असीं कड़छी की मदद नाल हिला के मिक्स करना है। जिहड़ी चाणी दी उपरली झाग है उन्होंने असीं एक कौली च कढ देना है। झाग असीं सारी कढ ली हुई है। हुण असीं चाणी नूं इहदे विच पा देना है। हुण असीं इनू चंगी तरह सारिया चीज़ों नू मिक्स कर लेना है। इनू थोड़ा जिहा ठंडा होने तो बाद असीं इहदियां पिन्नियां कर लैणियां। ठंडा हो गया है थोड़ा थोड़ा साडा जिहड़ा अलसी दा मिक्सचर है इनू हुण असीं हल्के हल्के हत्थां दे नाल इहदियां पिन्नियां बनाने हैं। अलसी दी पिन्नियां साडियां तैयार ने जी। उम्मीद करदी हां तुहानूं पसंद आईयां होणगियां। तुसीं अपने घर इनूं जरूर बनाओगे। नोट करदे हां आपां इहदा एक छोटा जिहा रिकैप। सब तो पहलां असीं अलसी लैणी है। अलसी नूं असीं ड्राई रोस्ट करके उहनूं कुट लेना है। मिक्सी होवे ते मिक्सी विच पीस लेना है। उस तो बाद असीं आटा भुन्नना है, खोया भुन्नना है, ड्राई फ्रूट भुन्नना है। सारियां चीज़ां नूं भुन्न के असीं साइड ते रख लेना है। गुड़ दी चाणी बनाउणी है। जदों इह सारियां चीज़ां भुज जाण इन्हों मिक्स करना है। ड्राई फ्रूट में भी थोड़ा जहा कुट लेना है। कुटन तो बाद असी सारिया चीज़ा मिक्स करके चाणी ये पा के जी गुड़ की असी चाणी बनानी है वह पा के ये पिन्नियां वट लैनिया है तो ठंडे होने तेनों सर्व करना है। प्राइम एशिया टीवी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 160 ਐਂਡ 361, ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 225, ਕਰੂਜ਼ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 111, Shawa TV channel number 399. Watch us worldwide on YUPP TV, Apple TV, Smart TV, Xbox, PS4, Amazon Fire Stick, Roku and other platforms. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Apple ਜਾਂ Android ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।